पंडित राजेश राकेश जी, ध्यान दो। उपलब्धि हेतु अनुपलब्धि हेतु दोनों ही हेतु कार्यकारी हैं। उपलब्धि को ही आप यदि हेतु बनाते हैं, उपलब्धि को ही तुम स्वीकारते हो, तो सुनो सारस्वत सागर जी और दूर चले जाओ बेटा। यदि राकेश ऐसा मानते हैं जो उपलब्ध है वही सत्य है, तो फिर ये चारवाक भी हो जाता है। प्रत्यक्ष हेतु में डाल दो, जो उपलब्ध है सामने प्रत्यक्ष है वही स्वीकार है, तो इनकी दृष्टि कहाँ चली गई? चारवाक के पास भी गई, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुपलब्ध भी उपलब्ध होता है। बोलो, अचाक्षुष और चाक्षुष, जो चाक्षुष है वो तुमको दृश्यमान है, जो अचाक्षुष है अदृश्यमान है। तो क्या अदृश्यमान होने से अवस्तु हो जाएगा क्या? पर प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वालों के सामने ही तो है। यदि तुम प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय प्रत्यक्ष ही मानते हो, मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हो, तो चुनौती इस बात की है किस इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हो। यदि चक्षु प्रत्यक्ष ही मानते मात्र, तो तुम्हारे यहां शेष इंद्रिय का तो विषय नहीं बनेगा। संपूर्ण इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हो, संपूर्ण इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हो, तो आपके यहां भाव श्रुत भी नहीं बनेगा, भाव श्रुत भी नहीं बनेगा। बोलो, बहुत बढ़िया। सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी, केवल नहीं हो सकता उनके यहां। और जो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, देश प्रत्यक्ष है, वो भी अनिंद्रिय है, अतिंद्रिय है, तो तुम्हारे यहां देश प्रत्यक्ष भी घटित नहीं होंगे। इसलिए अदृश्य पर चित्ताभाव लोकिका विधु तथा कार्मिकार से अन्यथा उत्पत्तिता। अदृश्य प्राचिताते नहीं दिखने योग्य, अदृश्य ऐसे अन्य के चेतन आदि के अभाव को, ओ चेतन आदि के अभाव को, अभाव को जानता तो भाव को भी जान सकता है, अभाव को वही जान सकता है जो भाव को जानता है, जो भाव को नहीं जान सकता अभाव को कैसे जानेगा? उत्तर दो। अभाव को वही जान सकता है जो भाव को जानता है, भाव को वही जान सकता है जो अभाव को जानता है। फंस गया क्या? नहीं, अरे नहीं मानने से क्या, कभी तो मानेगा आदमी, घूम घाम के आएगा, अब घर से लौट के आएगा, मान लिया, सामने आगम रखा हुआ है, तो कितना सारा ऐसा ज्ञान है जो लोगों को ज्ञान ही नहीं है, कितना ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है, बेचारे तानते रहते हैं। अब महावीर पाटनी अपने सिद्धांत है, श्रीपाल को धवल सेठ ने समुद्र में गिरा दिया, और गिराने के बाद जब श्रीपाल किनारे लग गए और एक राजा के यहाँ उनके शादी भी हो गई, रैन मंजूषा गुड़माला, उधर रैन मंजूषा के कारण पटक दिया था। अब जब देखा कि ये तो ये यहाँ पर राज कन्या प्राप्त कर चुका है, सेठ धवल ने पुनः मायाचारी की,
अपने सारे के सारे लोगों को इकट्ठा किया और सारी भीड़ लेके आ गए, जैसे आजकल लोग बहुत भीड़ लेके आ रहे हैं, भीड़ लेके आ गए और पहुँचे। बोले भाई महाराज महाराज महाराज, भेंट दो, क्षमा करो मेरे पुत्र की, मेरे पुत्र की भेंट दो, मेरे पुत्र की भेंट दो। बोले तेरा पुत्र कौन है जो आपके बगल में बैठा है? श्रीपाली मेरा बेटा है, राजा का रूप कुपित। श्रीपाल तुम भानुपुत्र हो? हाँ महाराज भानुपुत्र हूँ। जेल में डाल दो उसको, स्वीकार, जेल में डाल दिया। गुड़माला ने कहा पिताजी उसकी ऐसी चेष्टा तो नहीं है, आपने जेल में डाल दिया। बोले बेटी उसने स्वयं कहा मैं भानुपुत्र हूं। बोले मुझे जेल में मिलने को मौका मिलेगा क्या? बोले ठीक मिल के आओ। गुड़माला पहुंचे जेल में, श्रीपाल की से बात किए। बोले आप भानुपुत्र हो? बोले देखो ऐसा है, मेरी कौन सुनता, तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैंने भी समय बर्बाद क्यों करूं, मैं भी भानुपुत्र बोल दिया, सत्य तो आगे आएगा ना। बोले सत्य कैसे पता चलेगा? बोले देखो सत्य की बात करोगे ना तो जिस सेठ ने गिराया है उसकी हालत खराब हो जाएगी। बोले क्या? वो धवल सेठ के बंदरगाह पर जो पोत खड़े जहाज, उसमें एक स्त्री है रेन मंजूषा, वहाँ राजा को भेजो और भेज करके रहस्य उनका मालूम चलेगा। जैसे ही राजा ने मुगलवाया रेन मंजूषा को, उससे पूछा बोले बेटी ये क्या है? उसने पूरी रामायण सुना दी, ये पापी सेठ धवल ने समुद्र में पटका है, मेरे राग में आकर के मैंने अपने सील की रक्षा की, इससे उल्टे ही हो गया, सारे जहाज पोत तड़प लिए और सेठ धवल की हालत खराब हो गई। तो संसार में कभी ऐसा भी होता है, भीड़ बोले ओम शांति मौन ले लो, समय आएगा उत्तर मिल जाएंगे, समय आएगा उत्तर देना, लेकिन भाणों के बीच में कौन तुम्हारी सुनता है? समझो भोला, बहुत सारी बात अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ निकला था, भाणों के बीचों को सुनने वाला नहीं है आपकी। हाँ सजा स्वीकार कर लो, समय आएगा। मद है, मद उतर जाएगा तो आदमी को समझ में आता है। आइए, क्या राकेश जितनी मिथ्या पंथ बने हुए हैं ये मद की तो है, सब मद के हैं, किसको पता नहीं है। दिगंबर जैन प्रवाह अखंड निश्चय व्यवहार को मानने वाली है, ये अलग से चूल्हे लिखे क्यों बैठे लोग हैं? तो जाति लिंग विकल्प ये सब सम्यक ग्रह ते प्रापंति परमपद परमात्मना। जिस व्यक्ति को जाति लिंग का अभी भी अहंकार है वो जीव परमपद को प्राप्त करने वाला नहीं है। अध्याय जीवन जीने के बहुत कुछ चाहिए। आइए अपने विषय पे आओ, अदृश्य परिचिता, जो अदृश्य है उसके लिए लोक का विधु। बाल गोपाल बेटा इधर आ, चीटी जा रही है, ठीक है? तो कैसी है? अरे मरी के जीवित, चीटी जा रही है इसका मतलब जीवित है, वो खड़ी है तो मरी है, है? यही प्रश्न मेरा आपसे है, आप ये बताइए
तुम पाटनी पुत्रो, वे पाटनी बैठे हैं, आप ये बताइए चींटी मर गई है तुम कैसे जानते हो? अरे आज सो जाए तो सुनो, मतलब छोटा सा ये बालक है ये भी जानता है चींटी जीवित है कि चींटी मर गई। भाव है तो अभाव है, अभाव है तो भाव ही होना चाहिए। ठीक बेटा तुम ज्ञानी में बैठ जाओ, पर ये पता नहीं तुम काके ज्ञानी बन गए। ठीक है, लोक विदु, लोक जन भी जानता था कार अभिकार के उसके आकार उष्ण श्वास आदि। देखो इधर देख, जैसे कोई आदमी का अपन देखते हैं जीरा के तरह से, देख सांस चल रही कि नहीं चल रही, सांस चल रही कि नहीं चल रही, सांस चल रही कि नहीं, तो पता कर लेते नहीं पता कर लेते। अनुत्पत्ति, यदि अनुत्पत्ति उष्ण श्वास नहीं है, नाड़ी नहीं चल रही है, तो अनुत्पत्ति जीव की मृत्यु, अनुत्पत्ति। तुम अनुत्पत्ति से भाव अभाव दोनों का ज्ञान कर सकते हैं। ये महामंत्र हमारा है, सिद्धांत का, जैन दर्शन का मूल न्याय। अनुत्पत्ति से भाव का भी ज्ञान होता है, अनुत्पत्ति से अब का भी ज्ञान होता है। से सांगे विचार करेंगे, पढ़ो भाई।